मास्टर जी ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये हल्दी का है ना? नहीं है। टूट करके आ गई है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह 9:30 बजे। शुरुआत कर रहे हैं अभी फिलहाल, नाश्ता कर रहे हैं। हियर इज दर्शु। हाय, गुड मॉर्निंग बोलो। हाय, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा? है बोल दो यार। हेयर इज प्रीति। प्रीति खाना खिला रही है इसको, और कमल भाई इधर बैठे हैं। हम पुलमी तोड़ने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल नाश्ता वगैरह कर लिया हम लोगों ने। आज आ रही है धूप जबरदस्त वाली। बड़े पेड़ों के लिए हमारे पास है स्टैंड, तो हम लोग ना बड़े पेड़ों को ऊपर नहीं जाते। जैसे ये वाले पौधे हैं, उधर साइड में जाना रिस्की हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी पेड़ों में बहुत ज़्यादा लोड रहता है, तो हम लोग स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने स्टैंड कुछ ऐसे लगा रखा है, और नीचे देखो खेत, और स्टैंड को बांध रखा है रस्सियों से कुछ ऐसे, और इसको बांध रखा है मोटी वाली रस्सी में, तो उसके दोनों टायर हवा में हैं, तो वो उसको बैलेंस कर रहा है। और भाई ऊपर चढ़ा हुआ है आराम से, तो ऊपर वाली पीछे वाली की पुलम ना ऐसे भाई आराम से। तो ये एक फोल्ड यहाँ पर दे रखा है, एक फोल्ड यहाँ पर दे रखा है, तो इसके सहारे तो स्टैंड होल्ड हो रखा है आराम से। तो ये वाली टहनी ना इजीली इधर टूट करके आ गई है, तो ये इसमें इतना सारा लोड हो रखा है, तो जैसे पकड़ा तो खींच करके वापस आ गई इधर। तो अब क्या ही करेंगे इसको, बस तोड़ के सीधे क्रेट में डाल देता हूँ ऐसे। अभी लगा दिया हमने सेकंड साइड। सेकंड साइड भी हमने कुछ ऐसे लगा रखा है, ये पूरा हवा में है पौधे उस तरफ पीछे की तरफ को। यहाँ नीचे को ना बिल्कुल भी जगह नहीं है। अभी इनके पैर देखो कितने ज़्यादा उठे हुए हैं, दोनों पैर। ये भी हवा में है, ये भी हवा में, और ये रस्सा इतना टाइट हो चुका अभी। ये देखो, ये एक सीढ़ी नीचे था, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, अभी हमने एक सीढ़ी ऊपर डाल दिया, तो अब इसका बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। स्टैंड में तोड़ने वाला तो हमारा हीरो ही रहता है। तो देखो गाइस, दीदी चाय लेके आई है, और ठंडी हो जाएगी बल चाय, और नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई है, देख रहे हो। और हम इतने बदतमीज हैं, बिना मुंह धोए गए खेतों में, कहीं नहीं कोई नहीं धोया है? मैंने तो धोया भाई। तो भाई ने मुंह भी नहीं धोया बल, और किसी खेत में आ गया बल, तो सिर्फ मुंह धो रखा है बस, और कुछ नहीं। पक्का? तो आज मैं कुछ ऐसे तोड़नी पड़ी पुलम। खतरों के खिलाड़ी हो रहे हो, बताइए बाबू। कंपनी क्यों लगा रखा है? कंपनी? हाँ। कौन सा कंपनी? बोला कहाँ है कंपनी? तो इसको खाने खिला रही बाइट टू बाइट, और प्याज का भुट्टा और रोटी। कल ताईजी लोग आए थे, तो ताईजी लोगों ने ना ये जितना भी आम था, उन्होंने हमें काम करते हुए देखा, तो उन्होंने खुद ही आम काट कूट करके इनमें हल्दी लगा करके सुखाने के लिए डाला हुआ है, तो इसका अचार बना के वो लोग जाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अचार भी वो खुद ही बना के जाएंगे। अमरूद में भी फूल आने लग गए, देख रहे हो, जैसे आड़ू पुलम ख़त्म होते हैं ना, उसके बाद हमारा अमरूद चालू हो जाता है, तो फिर हम अमरूद में बिजी हो जाएंगे। इसको लेके जाना है। इन पौधों का ना एक बारी छटान हो चुका है, दूसरी बारी में ऐसे लोड हो रही है, तो बस आज इनकी बारी है दोबारा से। ये लोग ना खेतों में से ढूंढ रहे, देखो इनको बोल रहे हैं, क्या बोल, क्या है ये बाबू? देखो मर दर्शो, क्या है ये? कुकुम्बर। हाँ, तो दर्शो ये कुकुम्बर ढूंढ रहा है खेतों में से, और ये एक दूसरे पर लगा रहे हैं ऐसे, पूरा छिपा दे। अपना बदला तेरे को दे दिया तू, तो ये खेतों में से ढूंढ रहे हो, एक दूसरे पर चिपका दे रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो मेरी तरफ से, मैंने
का सिपाही भेज दिया। लगा दिया, एक्सेलेंट। और लग गए। तो इनकी ये वाली मस्ती चल रही है खेतों में। तो सारी सामग्री आ चुकी है, आम वहाँ पड़े हैं, बस अब अचार बनने वाला है। खीरा, सारा मसाला और ये तेल। सारा मसाला मिला दिया, ये मिक्स कर दिया इसको अच्छे से। अब इसमें रखेंगे तेल। तेल आ गया, पांच बारी। नानी कितना तेल डालोगे? तेल जब तक ये पूरा गीला नहीं होगा ना, तब तक नहीं बनता। पूरा गीला हो जाएगा तेल से, तो बस 10 कच्ची तेल बनाते भी जा रहे हो आज। ये बहुत बड़ी बात है, बनाते काटते बनाते सारा काम करके जा रहे हैं। अच्छा, हमारे लिए अचार बना के जा रहे हैं। अच्छा, तेल गिरेगा, हाँ हाथ में लेकर लो उसको। तो ये आम डाल दिए हैं, कच्चे आम, मतलब धूप में सुखाए हुए, और अभी से इसमें मिक्स कर रहे हैं। ये जो इसके मसाले थे, इसमें पूरे में तेल डाल दिया और इसको पहले गीला कर लिया, के बाद इसमें आम डाल दिया। बाबा ना अभी से धीरे धीरे उसमें से इसमें करके मिक्स करके इसमें डालेंगे, इस डब्बे में खाएंगे। हाँ खाएंगे, बन जाएगा ना फिर खाना। अभी थोड़ी, अभी बन तो गया, अभी धूप में सुखाते हैं। अभी तो धूप में सुखाते हैं इसको, बहुत दिन में वो सुखाना है, हाथ नहीं लगाना। मुझे खाना है ये। अभी नहीं, अभी थोड़ी खाते हैं, ये तो कच्चा है अभी, तो जब पक जाएगा ना फिर बाद में निकालना है। तुम देखो बस, दूर से तुम देखो, हाथ मत लगाना उसमें। हाथ नहीं लगाते बच्चे, कलर क्यों कर रखा है इन्होंने? तो दर्शु दीदी को सिखा रहा है कि तेल पे हाथ नहीं लगाना। अच्छा, और जब ना इसने ना इतने कुम्मर लगाए मेरे को कि मेरे यार ना पूरे कपड़े कुम्मर से ही भर गए, मैं कपड़े चेंज करके आया अभी। आज दीदी को इतने कुम्मर लग गए, इतने कुम्मर लग गए फिर मेरे से कह रही निकालने को। इसने लगाए हैं वो सारे कुम्मर। ये हल्दी का लग रहा है, ये हल्दी का लग रहा है। अरे मास्टर जी, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये हल्दी का है ना? नहीं है क्या? ये हल्दी, ये नमक, ये मिर्च, सबका पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया इसके अंदर डाल रखी हमने। हाथ हटाओ। अरे आप हाथ हटाओ। अचार, और मुझे लग रहा है ये वाला जो तार है ये छोटा पड़ जाएगा अचार के लिए। छोटा पड़ जाएगा तार, कम हो जाएगा डब्बा। अभी देख रहे हैं हमें, मत छेड़ बेटा। पहले तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना। और ना एक बार बताऊं, ये ना सबसे ज्यादा खराब आदमी बच्चा है, ये खराब आदमी होता है। देखो ये चीटर का ये डब्बा भर चुका है पूरा। देखने में तो ये डब्बा बहुत बड़ा लग रहा था ना, तो ऐसा लगता है इसमें सब आ जाएगा, पर अब ये घटेगा ना जब सूखेगा। एक बार आप पूरा नहीं पकड़ सकते? नहीं, एक बारी में पूरा रखेंगे तो गिर जाएगा नीचे। अब एक और डब्बा आया, पर ये भी छोटा ही लग रहा है इसके हिसाब से। छोटे लगने का ये हमने, इसमें ज्यादा नहीं आएगा। बस इसको आप ले जाओगे अपने घर? हाँ अपने घर ले। क्यों है? तो अपने घर में बना लेते, अपने घर ले। अरे हमारा है ना ये, तुम्हारा कहाँ से आया? ये तो मैं भर रहा हूँ, अपने घर ले जा रहा हूँ। मैं तेल थोड़ा सा कम हो गया है तो दिव्या ने इसमें तेल डाला। अब मैं डालूंगा? नहीं बाबा, अब नहीं, सब नहीं डालते तुम। रहने दो,
पता नहीं इन लोग को क्या हो रखा है, ये कैसे देख रहे हैं चार बंदे बैठ, इन लोग को ठीक से बैठना नहीं आता। नहीं बबल ना तो गिर जाएगा ये तेल ना, ये डिब्बे में डालना है अभी। इनको समझा समझा के सिर दर्द हो गया, ये डब्बा भर चुका है, ये भरने वाला है। ये देखो दोनों जार भर चुके हैं, मतलब तीसरे में डालने लग गए अम्मा, और ये भी आधा भर जाएगा, पूरा तो नहीं भरेगा शायद, आधा भर जाएगा। इतना सारा अचार, इतना सारा अचार। परसों कब जाने वाले ना बाबू, कब जाएंगे हम आप तब जाएंगे। इतना सारा अचार अम्मा बना रही है, तो इधर जाएंगे। फिलहाल ये चल रहा है पैकिंग, और ये देखो यहाँ कौन आ रखे हैं, ये हमारे भ्राता श्री, और भ्राता श्री को परेशान कर रहा है आज दर्शु। दर्शु ये कौन है, ये कौन है, ये जिनके साथ आप बैठे हैं? हाँ तो ये चंदा मामा, यहाँ पे बिरजी, बिरजी हाय करो, इसी करो। हाँ ये एक्सेलेंट। और यहाँ पर पैकिंग, अब ये जितने बना रखे हैं ना फिलहाल इनको पैक कर देते हैं। देखो हम लोग आ गए हैं गौशाले पर, अभी हम लोग गौशाले पे हैं, इसको घोड़े में बैठना है बल, और ये घोड़े में बैठ रहा है। देखो बेटे इसको भी बैठाना है, बाप रे, ये देखो दोनों को घोड़े में बैठा दिया है। हाँ भाई घोड़े की सवारी करोगे आज तो, नहीं करते ये तिगड़े ताओ खेला ला भली वहां, मतलब जबरदस्ती घुमाने की हो रही है भयंकर यार तुम लोग ला, तो कर रहे हो कैसे पकड़ करके घुमाना पड़ रहा है इनको, कि लगी होते एक तरफा हूँ लटक जाल। हाँ निकालो 5-5 लाख रुपए, ये देखा पैसे, ये पैसे निकाल रहा, देखो हाँ जेब से, जेब से घोड़े के ऊपर बैठा था तब दे रहा हूँ ये दर्शु ने। हाँ भाई कहाँ को दर्शु, बाय दर्शु, बाय दर्शु, बाय दर्शु, घोड़े में मस्ती कर रहा है नहीं बैठे छोड़ो, बाय 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 बाय, चलो घर को चलो, बहुत हो गई शैतानी, बहुत बैठ लिया घोड़े में। इसको देखो शूंद मिल गए शूंद, और इसमें शूंद हो भी रहे, ये है बादाम भाई, कैसे निकालोगे, घर जाके निकालना, चलो 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 चलो, इसकी चाबी अब नाम रहती है बाबू, चलो घर चलते हैं। यहाँ पे देखो कितनी मस्त हवा चल रही है, वाओ अल्टीमेट। तो गाइस देखो ये भाई ने अकेले ये सारा धो दिया है, बाकी हम सारे दर्शक हैं इनको देख रहे हैं, और फिलहाल आज का हमारा काम फिनिश, ये सब यहाँ पर लगा दिए गए हैं। झूठ क्यों बाबू, बट यहाँ पे ना हवा भी मस्त वाली चल रही है, तो बस ऐसे ही कुछ चल रहा है। अब जाकर के नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि सुबह तो नहाना हो नहीं रहा आजकल, रोज शाम को ही नहा रहे हैं हम लोग बस। ये देखो इन काम धाम निकले थे, और मुंह 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 कैसा बना रखा है देखो, मुंह मुंह मजा आया इसको खाके, ये होता है देखो शूंत, और इसको खाके टेस्टी होता है ये बहुत ज्यादा, कैसा रहा एक्सीलेंट। और ये इतने इतनी मेहनत के बाद निकलता है, ऐसी हालत इसकी हो गई है, ढूंढ के निकाल इसको, ढूंढ रहे कि इसमें कुछ मिलेगा क्या।